दोस्तों आज हम देखेंगे एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी। जो ये टॉपिक जिन जिन टॉपिक से मैं करवा रहा हूँ, ये टॉपिक आपके सही होंगे तो आप इसके आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इससे आप अपनी तैयारी जज कर सकते हैं किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एचपी पटवारी एग्ज़ाम में, कौन कौन से टॉपिक से। पहला, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर ने पोस्टेज स्टैम्प का पेश किया था, मतलब कि जो पोस्टेज स्टैम्प थी वो इंट्रोड्यूस की थी भारत में, कौन से गवर्नर थे? वो थे लॉर्ड डलहौजी जी। ए इसका आंसर होगा। उन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य भी किया। उन्होंने उन्होंने 1848 से लेकर 1856 के बीच में भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत की नींव रखने के लिए एक नया चैप्टर शुरू किया, उन्होंने भारत को चेंज करने का एक मोटिव ले लिया था। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर होगा डी, मूल शंकर जी। उनका मूल नाम, पूरा नाम था मूल शंकर, क्योंकि उनका जन्म धनु राशि और मूल नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। स्वतंत्रता भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? वो थे दोस्तों पिंगली वेंकैया जी ने। डी इसका आंसर होगा। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक ध्वज के, जो भारत का ध्वज थे उसके डिज़ाइनर थे, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधारित है, जिस पे जो आज उनका जन्म माटिल पट्टनम के पास भाटल भाटल पेनुमरु में हुआ था, और अब भारतीय राज्य ये अब आंध्र प्रदेश में ये वाले शहर पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आयुर्वेदिक के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा का देवता के रूप में किसको जाना जाता है? वो थे धन्वंतरी जी को, धन्वंतरी पुराण। आपको पता होगा कि धन्वंतरी पुराणों में आयुर्वेदिक के देवता के रूप में प्रकट होते थे। ठीक है, धन्वंतरी ऐसा जाना जाता है कि जब आयुर्वेद के देवता को धन्वंतरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और वो प्रकट होते थे। हिंदू धर्म में पूजा करने वालों के लिए धन्वंतरी से प्रार्थना करना आम है, अभी भी करते हैं लोग, विशेषकर धनतेरसिया, धन्वंतरी या त्रयोदशी पर। भारत जो सरकार, उन्होंने घोषणा की है कि धन्वंतरी त्रयोदशी हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? वो था सी, इसका आंसर होगा। वो है लाहौर कांग्रेस 1929। लाहौर कांग्रेस 1929 में ये बात हुई, 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 की मध्य रात्रि को नेहरू समिति की रिपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई थी, और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत की स्वतंत्रता के ध्वज को फहराया था। कब हुई थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? वो था लाहौर में, कांग्रेस ने फहराया था 1929 में। आगे चलते हैं। यह किसने कहा है कि आधी रात के स्ट्रोक पर जब दुनिया सोती है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, भारत जीवन और आज़ादी के लिए जागता है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर भारत के किस गांव शहर में एक टॉवर मीनार है? वो है गुंटूर जगह पर है, जिला जिन्ना टावर आंध्र प्रदेश के गंटूर शहर में एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका नाम पाकिस्तान के पिता मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया है। जैसे भारत में महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, वैसे वहाँ के पाकिस्तान के पिता को मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में जाना जाता है, और यह शहर के महात्मा गांधी रोड पर शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत में ब्रिटिश राज सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ब्रिटिश राजकाल के दौरान लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम गीत किससे संबंधित था? वो है
राम प्रसाद बिस्मिल, जो सरफरोशी की तमन्ना 1921 में पटना के बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा उर्दू में लिखी गई एक देशभक्ति कविता है। हुमायूं नाम किसके द्वारा लिखा गया था? वो था, इसका आंसर होगा डी, वो है गुलवदन बेगम। द हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम, हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं। भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध कौन सा था? द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज, वो था बी, तरैन का द्वितीय युद्ध, द बैटल ऑफ तरैन। ये वाला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तराइन के पास 1192 AD में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए थे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेयर डिड बाबर डाई, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी दोस्तों, ए इसका आंसर होगा, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और वह हुमायूं द्वारा सफल हो गया। बाबर की इच्छा के अनुसार उसे अफगानिस्तान के काबुल में बाग़ बाबर में दफनाया गया था। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली? वो चली थी अप्रैल 1853 में। ये चली थी, पैसेंजर ट्रेन थी, बिटवीन बॉम्बे बोरी बंदर स्टेशन एंड थाने के बीच में, 16 अप्रैल 1853 में। और दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए लेके आया था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।